ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का ज्यादा आवाज आ रही है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बड़ा आवाज आ रही है। ये मुंगेजर जो था अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से था या मार्जिनल से? स्टॉक के अलावा इसे तो नहीं, रॉ मटेरियल स्टॉक जी, स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन की फिगर आ गए सर, मुझसे बजी छा गए सर, वो रहने दे, स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर सर, सेल माइनस सेल प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट, सेल माइनस कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट अगर बेचेंगे, डाटा देखना मुंगे सर, एक यूनिट अगर बेचेंगे तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट? 77 गिवन है सर, 77 के अंदर फिक्स भी है। यस सर, स्टैंडर्ड अब्सॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट है, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट? अगर 7100 में से 77 माइनस करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड ग्रॉस पर यूनिट प्रॉफिट पर यूनिट ही चाहिए। स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कब चाहिए होती है? अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होती है तो 77 में से पहले आप क्या निकाल देते? फिक्स निकाल देते तो फिर क्या रह जाता? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो 100 में से अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करते तो स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता। लेकिन मेरा ख्याल है अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से लिया ये, ठीक है मैडम जी, वजी साहब ठीक है। तो ये जो कल मैंने क्वेश्चन दिया था ल्यूटीज और मुंगेजर, इसमें इश्यू है आपको दो चीजों में। नंबर एक, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक स्टैंडर्ड से मेजर हुआ है, और नंबर टू, प्राइस वेरिएंस ऑफ मटेरियल, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस है वो एक्चुअल क्वांटिटी यूज की बजाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड की बेस पे वर्कआउट हो, देयरफॉर आपकी रिकंसिलिएशन फाइनल नहीं हो सकी। तो इंशाल्लाह वो करते हैं, आप लोग कैंडी जरा सिग्मा फाइनल करो। तो जरा मेरी ख्वाहिश है कि आपकी ये दो पॉइंट्स जरा आइडेंटिफाई हो जाए जी। सिग्मा जहां तक हुआ था कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? पहले जरा कैंडी सिग्मा को टाइम देकर पहले करो, बैठ जाए सर, हैव अ सीट कैंडी प्लीज। पेज नंबर बता दें 138 से 39 तक जाना, डी रिक्वायरमेंट पढ़े, हेडिंग लिखें एनालिसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन, ना करें सर, एनालिसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन, लिखें सर एनालिसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बजटेड प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू अब्सॉर्प्शन एंड अकॉर्डिंग टू अब्सॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये रेडी हो गए प्लीज, कल वाली जरा स्टेटमेंट निकालने अपने हेडिंग लिखकर।
2015 की अभी बहस हो रही है। अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग 2015 में आपका प्रॉफिट क्या आया? 6560। पर्सन साइलेंट है मेरा। व्हाट इज 6560? अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग कहाँ है बोर्ड पे? सवाल देखें, अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 2015 का वेटेड प्रॉफिट क्या है? कौन सा सवाल? क्या वही सवाल? वही वो भी साइलेंट है। सतीश रैना करें, इसे एक बात खत्म हो जानी। व्हाट इज द वेटेड प्रॉफिट ऑफ 2015 अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? 6530। एंड व्हाट इज अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग? व्हाई दीज प्रॉफिट्स आर डिफरेंट? No, only because of stocks, no fixed cost, nothing, sirf stocks, please stocks and sirf stocks. Kaun kaun se stocks? Question mein dekhen, 6530 ki working, 6530 ki working ke andar opening closing stocks maujood hain. Apne profit ki working dekhen, marginal wali. Kya aapke profit mein bhi stocks maujood hain? Kya same figures hain? डिफरेंट फिगर्स है। स्टॉक के कम ज्यादा होने से प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है ये बेटा? सिर्फ स्टॉक्स की वजह से फर्क है यार, सिर्फ स्टॉक्स। हिम्मत कीजिएगा जरा, एक फिर फाइनल कीजिएगा, मेरी बात सुने वापस। क्वेश्चन सामने रखेगा, सेल बिल्कुल सेम है सर। आप सवाल देखे, मैंने जवाब सामने रखा हुआ। अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली स्टेटमेंट का प्रॉफिट देख रहे हैं बहुत से, सेल की अमाउंट मेरे सेम भी है, मेरा स्टॉक फर्क है ओपनिंग, आपका फर्क है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से बोर्ड पे देखा था, क्या निकाल दिया था? लेकिन बेटा वो जितना निकाला था, गौर से सुनिए मेरी बात, वो जितना निकाला था नीचे देखे मेरे साथ है, 4050 नीचे लिख लिया था। आपने ये दोनों फिगर्स इकट्ठी करके प्रोडक्शन कॉस्ट में लिखी हुई है, मैंने क्या किया है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अलग कर दिए और फिक्स मैंने नीचे रहता लिखी। क्या मैंने पूरी अमाउंट लिखी है? लेकिन फिक्स कॉस्ट को कहां से निकाल के कहां लिखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से निकाल के पीरियड कॉस्ट के तौर पर लिखा है, तो टोटल काइंडली वही है। प्लीज 40275 लिखे कैलकुलेटर पे। कहां गया कैलकुलेटर? 40275 लिखें कैलकुलेटर पे, प्लस आके करें 4050। क्या ये वही फिगर है जो आपके पास इकट्ठी आ रही है? सिर्फ क्या हुआ है, प्रोडक्ट कॉस्ट की बजाय पीरियड कॉस्ट बना लिया है। क्लोजिंग स्टॉक आपका और मेरा डिफरेंट है ऐसे। बाकी अब डेफिनेटली फिगर्स ऊपर नीचे होने से फिर वो हमारी कंट्रीब्यूशंस वगैरह डिफरेंट आएंगी, लेकिन अब वेरिएबल सेलिंग एडमिन पे आएगा। आपकी फिगर इकट्ठी है और मेरी फिगर जरा ढूंढना, 3675 लिखें कैलकुलेटर पर और 171575। अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल फिक्स अलग-अलग नहीं है, वहां प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन का ब्रेकअप है, और यहाँ क्या हुआ, वेरिएबल और फिक्स अलग-अलग है। क्या टोटल सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, टोटल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हमारे सेम है, प्रॉफिट में फर्क क्यों पड़ा है? ये सिर्फ स्टॉक्स का मसला है, और देयरफॉर ये जो एनालिसिस अब हमने करना है इसमें सिर्फ स्टॉक्स नहीं आना है। ब्रैकेट में लिखें वापिस आके हेडिंग, इसी एनालिसिस को रिकंसिलिएशन भी बोलते हैं। तो क्या कर रहा है यार, बस कर रहा, आखिरी लाइन बैठो, छोड़ दो आखिरी लाइन आखिरी चेयर, और इसके बाद आप कल अभी ऐसे करेंगे तो माजरत के साथ क्लास के बाहर वाली चेयर पर बैठे, दीवार पे टेक लगी होनी चाहिए। आप ब्रैकेट में लिखेंगे सर रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। समटाइम एग्जामिनर इसे इस तरह से भी पूछता है, कौन से प्रॉफिट्स? नहीं, बजटेड भी ठीक है, कौन से प्रॉफिट? अब्सॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशन। हम भी क्या करना चाह रहे हैं, इनके डिफरेंस को एनालाइज करना चाह रहे हैं, और इसको एक और एंगल से भी क्या पूछा जाता,
रिकंसिलिएशन ऑफ कौन कौन सा प्रॉफिट, प्रॉफिट एज पर अब्सॉर्प्शन एंड प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्ट, ये इकट्ठे हो गए सर यहाँ पे। तो आपने फुल कंसंट्रेट करना, ये शायद बात आज होने लगी है और शायद बहुत दफा रिपीट होनी है। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, वही पुरानी बातें जो आपने सुनी है उन्हीं की बेस पे वर्किंग होनी है। करना क्या है कोई मतलब बता सकता है क्या करना, क्या प्रॉफिट को रिकंसाइल करना, किस प्रॉफिट को किससे, वाइस वर्सा ही बोला जा सकता है मार्जिनल। तो मीन्स से आप किसी भी एक प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह वो दूसरा प्रॉफिट आ रहा है, तो बताएं कहां से स्टार्ट करें। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाएगा, अब्सॉर्प्शन बोला आप लोगों ने, तो मैं जान बूझ के मार्जिनल से कर रहा हूँ ताकि अब्सॉर्प्शन बाद में फिर आप खुद कर सकें। तो क्या ये कंपल्सरी कि हम अब्सॉर्प्शन से स्टार्ट करें, लेकिन अगर अब्सॉर्प्शन से स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मार्जिनल पे एंड कर देंगे, और अगर मार्जिनल से स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह अब्सॉर्प्शन पे एंड हो जाया करेगा। तो आपने कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ ध्यान से मेरी चंद बातें सुननी है, मुझे फिगर्स ढूंढ के बतानी है जो मैं पूछूं आपसे। प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्ट, कहां देखा आपने, अपने रजिस्टर पे आपने देखा, पेन क्यों दब गया, गलत हो गया, ठीक हो गया इंशाल्लाह। कहां से फिगर उठाई आपने, अपनी वर्किंग से। तो प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, क्या इस मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में स्टॉक्स मौजूद हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग वाले या अब्सॉर्प्शन वाले, तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लिखा, ओपनिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग की अमाउंट है 492। नहीं, ये प्लस माइनस आपने करना, अभी सिर्फ लिखना, क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग लिखना 4475। देन आप इस तरह करें, अपने क्वेश्चन में जाएं और अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स लिखवा, क्लोजिंग स्टॉक एज पर अब्सॉर्प्शन कॉस्ट, मैंने ये लिख लिया। ये सर, अगर ये प्रॉफिट्स में डिफरेंस स्टॉक्स की वजह से है तो स्टॉक्स तो यही है, यही है करना। आप सिंपली क्या है, कंसंट्रेशन जरा, हमने स्टार्ट कर लिया है मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से। इस मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टॉक्स शामिल है, स्टॉक्स शामिल है। क्या 6560 की फिगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ 4920 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 4475 कंसिडर करके आई? यस सर। हम अब इस मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से पहुंचना कहां चाह रहे हैं? तो अगर मैं इस मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स में से मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टॉक्स निकाल दूं और उसकी जगह अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट कर दो, तो अगर स्टॉक्स की वजह से फर्क है तो फिगर रिकंसाइल हो देना चाहिए। कौन से प्रॉफिट के स्टॉक आप निकाल दिया करेंगे, ये प्रॉफिट्स आपने स्टार्ट किया हो उसके स्टॉक्स निकाल देंगे, और जिस प्रॉफिट तक आप पहुंचना चाहते हैं उसके स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट कर। मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टॉक्स निकाल के अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट कर, प्लस माइनस नहीं, स्टॉक्स निकाल के स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट कर देंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट करने की वजह से आप रिपीट करें, कौन से निकाल दें, कौन से इनकॉर्पोरेट, उसे कहने की कोई कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स करेंगे तो फजूल में घंटा भी जाया हो सकता है, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स रह करके सोचेंगे तो बात बस यही है, क्या निकाल देंगे, क्या इनकॉर्पोरेट कर देंगे।
अब आ जाए, क्या स्टॉक्स के प्रॉफिट के साथ कोई रिलेशनशिप भी है? सही तरह रिपीट कर लीजिएगा आराम आराम से. ओपनिंग स्टॉक हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक हैज. आई एम अज्यूमिंग कि ये सेंटेंस रट्टा तो याद ही है, बस इसको अप्लाई करना पड़ेगा और बस कंसिडरेशन. 6560 में 4920 का ओपनिंग स्टॉक शामिल. इस ओपनिंग स्टॉक के शामिल होने की वजह से ये प्रॉफिट बढ़ गया होगा. अगर हमने कंसंट्रेट ना किया तो ये बात एक रॉकेट की तरह बन जाए, रॉकेट साइंस. और अगर हमने सिर्फ कंसंट्रेट किया तो ये सिर्फ गेम प्लस माइनस. 4920 अपनी स्टेटमेंट के साथ साथ रखें. 4920 क्या 6560 की कैलकुलेशन में शामिल है? यस सर. रजिस्टर सर, अभी फिलहाल रजिस्टर पे की वर्किंग की जरूरत है. 4920 मार्जिनल कॉस्टिंग रजिस्टर. यस सर. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ 4920 ने इस प्रॉफिट को कम कर दिया. ओपनिंग स्टॉक हैज इनवर्स रिलेशनशिप. इस ओपनिंग स्टॉक को इनकॉर्पोरेट करने की वजह से ये 6560 प्रॉफिट कम हो. हम गौर से देखना भी चाहें तो देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट देखें. कंसल्टेशन से नहीं मेरी बात. देखिए 4920 जो फिगर है ये एक्सपेंसेस में ऐड हुई हुई है. ओपनिंग स्टॉक खर्चों में प्लस होता है, तो क्या उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है? और से देखें, और से देखें. क्लोजिंग स्टॉक देखिए, क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंसेस में से माइनस हो गया. तो माइनस करने से क्या होता है? खर्चे कम हो जाते हैं. खर्चे कम होने से क्या होता है? प्रॉफिट बढ़ जाता है. तो प्लीज 4920 ने 6560 रुपीज के प्रॉफिट को कम कर दिया होगा. अगर मैं इसे बाहर निकाल लूं तो प्रॉफिट मत करें, ऐसे मत करें, ऐसे मत करें. रिलैक्स रहे, रिलैक्स रहे, रिलैक्स रहे. रिलैक्सेशन का लेवल बढ़ा लें, बातें मेरी सुन लें, उसके बाद ये आपकी गेम. मतलब चंद वर्ड्स जो सही है मेरे ख्याल वो जरा सेट हो. 4920 के इस ओपनिंग स्टॉक ने 6560 रुपीज के प्रॉफिट को कम कर दिया होगा. अगर मैं इसे बाहर निकाल लूं तो प्रॉफिट बढ़ जाए. तो अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो पॉजिटिव फिगर ही रहेगी. ब्रैकेट लग गए. रिलैक्स. वंस अगेन पहला स्टेप, बिल्कुल रिलैक्स. 6560 ओपनिंग स्टॉक शामिल. इसने प्रॉफिट कम कर दिया होगा. मैं इसे बाहर निकालना चाहता हूं. मेरा प्रॉफिट 4920 रुपीज से इंक्रीज कर जाएगा. इसे पॉजिटिव होगी फिगर. अभी हम रिकंसाइल कर रहे हैं. क्या 6560 के अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक नजर आ रहा है? क्या लेस हुआ नजर आ रहा है? लेस हुआ इन अ सेंस एक्सपेंसेस में प्लस होकर प्रॉफिट कम कर रहा है. तो हम इसे अगर बाहर निकालेंगे, इसे कहेंगे भाई बाहर आ जाओ, तो उससे क्या होगा? अब चेक कर लें अपनी स्टेटमेंट देखें. फॉर एग्जाम्पल 4920 हमारी स्टेटमेंट बनाओ. और से देखना है, और से देखना है, और से देखना है, और से देखना है. 4920 अगर 4920 की जगह डैश होता, कैलकुलेटर पकड़े, तो हमारी तो 40275 में से सिर्फ 4475 ही लेस होता. कर दें, कर दें, कर दें, क्या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाती है? समझदारी मेरी बात. 4920 क्या करेगा? इसने क्या किया होगा? और अगर हम इसे बाहर निकाल लें तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा. इसलिए मैंने पॉजिटिव फिगर लिखी, क्योंकि इसको बाहर निकालने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए एक पॉजिटिव फिगर. सब ओके? यस सर. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दूसरी हिम्मत. ये क्लोजिंग स्टॉक
क्या 6560 में शामिल है? यस सर। इसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, बढ़ा दिया है। अगर ये ना होता, अगर ये ना होता, कैलकुलेटर कैलकुलेट 4920 प्लस 40275 और बस इज इक्वल टू दफ्ता। अगर ये क्लोजिंग ना होता तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होने से प्रॉफिट ने कम हो जाना था। क्या इस क्लोजिंग स्टॉक ने प्रॉफिट बढ़ा दिया हुआ है? और अगर आप इस क्लोजिंग स्टॉक को आप इस प्रॉफिट में से बाहर निकालेंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैंने ब्रेक डी को लगा दी, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। रिपीट कर दें, 4920 को पॉजिटिव क्यों रखा? असल में अभी स्टॉक्स निकाल रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग स्टॉक्स निकाल के उसकी जगह आप अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स को इनकॉर्पोरेट करने की ख्वाहिश है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के ओपनिंग स्टॉक ने मार्जिनल कॉस्टिंग वाला प्रॉफिट कम कर दिया था। बाहर निकालेंगे स्टॉक को तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक जरा कंडिया को कैलकुलेटर एक मिनट पकड़ लो, 6560 लिखा प्लस 4920 करें माइनस 4475 करें और यहां तक इज इक्वल टू दबाया। क्या मैं कह सकता हूं ये अब वो प्रॉफिट है जिसमें स्टॉक का इफेक्ट नहीं? यस सर। ये स्टॉक लेस प्रॉफिट, इसमें ना कौन सा स्टॉक है और ना कौन सा स्टॉक, ना इसमें मार्जिनल के स्टॉक्स हैं ना इसमें प्रॉफिट, ये स्टॉक लेस प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अब हमने इस स्टॉकलेस प्रॉफिट को अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट में अगर कन्वर्ट करना है तो स्टॉकलेस प्रॉफिट में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकॉर्पोरेट करना है। समझ आ गई मेरे पास? तो इनकॉर्पोरेट करने हैं अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग ओपनिंग स्टॉक है 5400। जब आप इसे प्रॉफिट में इनकॉर्पोरेट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को प्रॉफिट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? क्यों कम हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक है इनवर्स के लिए, ओपनिंग स्टॉक के शामिल होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ब्रैकेट भी लगा देंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लोजिंग रिपीट करें, क्लोजिंग का क्या होगा? अगर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्लोजिंग स्टॉक इनकॉर्पोरेट करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक के इनकॉर्पोरेट होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, करेक्ट रिलेशनशिप है। तो देयरफॉर ब्रैकेट नहीं लगेगी। कैलकुलेटर उठाएं, क्या आंसर आया? ये क्या आया? प्रॉफिट एज पर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। बात समझ आ गई? प्लीज लिखें, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर होंगे? तो कोई कैंडी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, प्लीज लिखते हुए मेरी सजेशन है एक दफा इंडिविजुअली जरा सोच के प्लस माइनस करने की कोशिश करो। रिलेशनशिप ऑफ स्टॉक्स विद प्रॉफिट जेन में रखो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से किसी की कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी?
बस सिर्फ एहतियात ही रखनी कि जिस प्रॉफिट से आप शुरू करते हैं पहले उसके स्टॉक्स लें और वो रिवर्स करने, वो स्टॉक्स रिवर्स करने, और जिस प्रॉफिट तक पहुंचना है उसके स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट करना। क्योंकि इसको बाहर निकालने से प्रॉफिट कम हो जाए, क्लोजिंग स्टॉक को प्रॉफिट से निकालेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा और इनकॉर्पोरेट करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक का बेटा इनवर्स रिलेशनशिप है, क्लोजिंग का डायरेक्ट है। ये नहीं हो सकेगा, ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग जब आप प्रॉफिट से निकालेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए लेस हो गया। लेकिन वही क्लोजिंग स्टॉक जब आप इनकॉर्पोरेट करेंगे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला तो प्रॉफिट बढ़ने की वजह से प्लस होता है। ये ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं फाइनल रहेगा। ये राजा वाइस वर्सा का स्टेटमेंट बनाएंगे जल्दी से, जल्दी से जिस प्रॉफिट से स्टार्ट करें पहले उसके स्टॉक्स लिख लें और फिर जिस तक पहुंचना है उसके लिख लें। जी एनी कंफ्यूजन करें जी फाइनल। कहाँ कहाँ ब्रैकेट लगी? लगता है रट्टा लगा लिए, लेकिन ये रट्टा तीन के दिन बाद फ्लॉप हो जाना। जी सर होना गेम ऑन है सर, तो रट्टा रहने दे, सोच ले। वैसे तो अल्लाह का शुक्र एक अच्छा सा रट्टा लग रहा है, लेकिन तरतीब ऊपर नीचे होगी तो गेम खोरेगा फिर। तरतीब को भी रट्टा लगे, दरमियान वाली दो फिगर्स को ब्रैकेट लगी हुई है। ठीक है चलो, लेकिन क्यों लगी हुई है दरमियान वाली? माइनस है हमेशा दरमियान में। आपने पहले क्लोजिंग स्टॉक को ब्रैकेट लगाई, फिर आगे आपने ओपनिंग को लगा ली, आखिर क्या वजह है? क्लोजिंग स्टॉक रिवर्स हो रहा है और ओपनिंग स्टॉक इनकॉर्पोरेट। क्लोजिंग रिवर्स होने से प्रॉफिट कम होगा और ओपनिंग इनकॉर्पोरेट होने से प्रॉफिट कम होगा। बहरहाल आई होप के बात फाइनल है। चले सर, अब ये बातें शुरू हो गई हैं, इन बातों ने बहुत आगे एडवांस होना है, तो आए जरा थोड़ा सा और जरा टेस्ट लें चीजों का। क्वेश्चन नंबर 5 होना है जरा सिग्मा जिससे शुरू करेंगे उसके पहले स्टॉक्स लिख लें
फिर जहां जाना है उसके स्टॉक्स लिख लें और बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाया करें। और अगर कभी ऐसे हो जाए तो फिरौनियत नहीं, देखा मैंने कर लिया और ये तो ऐसी बात है, खुदाना खास ऐसे ना करें, अगला सवाल सामने आ जाना है और ये सारी फिरौनियत एक मिनट में गायब हो जाती। पेज नंबर बता दें सर, 145, रिपीट कर दें सर, पेज नंबर बता दें, 145 फाइनल सामने से, क्वेश्चन वहां से शुरू हो रहा है लेकिन 6 तक जा रहा है। चलिए सर जी, एक यहां तक शायद बहस में एक फुली कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन रिक्वायरमेंट होना, बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ बेला फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 15 यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। किस कॉस्टिंग मेथड से कौन कौन सा प्रॉफिट, क्या बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल कॉस्टिंग डिफरेंट हो सकता है, किस वजह से? स्टॉक्स की वजह से, मार्जिनल कॉस्टिंग से ही बजटेड बनाना है, उसी से ही एक्चुअल बनाना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे क्राट में बनाया था, बिल्कुल उसी तरह जैसा कल आपने लिटरीज में बनाया था, तो बीच में वेरिएंसेस आते हैं, कौन से वाले? मार्जिनल कॉस्टिंग वाले, सेल वाले, मटेरियल वाले, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स वाला भी एंड में आता है, फिक्स वाला भी एक ही एंड में आता है, तो बी रिक्वायरमेंट पड़ा। रिकंसाइल क्या विद क्या बाय यूजिंग क्या, बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट को रिकंसाइल करना यूजिंग वेरिएंसेस। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ, देखिए इसकी हेडिंग देखिए, अभी क्या किया थोड़ी देर पहले, क्या किया, रिकंसाइल, रिकंसाइल अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट विद मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट, नॉट बाय वेरिएंसेस, बाय स्टॉक्स। स्टॉक्स आएंगे किन दो के दरमियान, अब्सॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट स्टॉक्स की वजह से डिफरेंट होता है, और बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ अब्सॉर्प्शन हो या मार्जिनल हो वो वेरिएंसेस की वजह से डिफरेंट होता है। हाँ डेफिनेटली वेरिएंसेस में वो वेरिएंसेस नहीं है जो अब्सॉर्प्शन में होते हैं और मार्जिनल में नहीं, वो ठीक है, ठीक है सर। तो कोई अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग बहस नहीं है, कौन सी बहस है, मार्जिनल की बजट डायरेक्टर और फिर मार्जिनल की ही वेरिएंसेस के बेस पे इंशाल्लाह रिकंसिलिएशन। आ जाए पिछले पेज पर, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ध्यान में रखें, बजटेड एंड एक्चुअल डाटा आराम आराम से पढ़ें। गेम फिर वही है कि डाटा एग्जामिनर ने ऐसा देना है कि आपका टेस्ट हो जाना। सीमा इंटरप्राइजेस पेन और 145 का मिड, ऑनलाइन स्टूडेंट बड़े इकट्ठे हो गए। मुसलसल हिम्मत करनी पड़नी है। सीमा इंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस वेरियस लेदर गुड्स, इट ऑपरेट्स स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स बेला फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज एक्सट्रैक्टेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 15 फ्रॉम द एसईस बजट डॉक्यूमेंट फॉर द ईयर 2015। बजटेड इंफॉर्मेशन है सर, सेल 9800 यूनिट्स और 25 मिलियन रुपीस पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स, डायरेक्ट मटेरियल 5,000 केजी, कॉस्टिंग 9 मिलियन पर केजी आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर 24,000 घंटे 3.6 मिलियन रुपीस कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड्स को लिंक किया हुआ है मशीन आर्स से, सिग्मा में भी ऐसे ही हुआ था, देखें जरा एक बार सिग्मा क्वेश्चन नंबर 2 जब भी आप फाइनल करके हैं, मशीन आर्स से लिंक किया हुआ था ओवरहेड्स को, किया हुआ था सर, वापिस आए जरा, 4.4 मिलियन के है बाइटेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी मशीन आवर्स। अब यहाँ लिंक लेबर आवर्स से क्यों नहीं, अगर ये ना लिखा होता तो मैं 4.4 मिलियन फिर आपसे पूछता इन हाउ मेनी लेबर आवर्स, बाय डिफॉल्ट अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर आवर्स से लिंक है, लेकिन अगर बताया हो तो ऑब्वियसली बताया है,
Fixed overheads, 3.8 million. In how many labor hours? And in how many machine hours? दोनों से लिंक किया जा सकता है, लेकिन शायद लिंक करना ही नहीं होता अगर marginal costing हो। अभी करेंगे तो आपको इंशाल्लाह याद आ जाएगा। Actual production for the month of December was 12,000 units, whereas SE earned revenue of 30 million by selling 11,000 units. ये आपको जो stocks नजर आने शुरू हुए थे कुछ सवालों में, वो यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी, वहाँ भी, इंशाल्लाह मिलकर कट्ठे करते हैं final करते हैं। कितने units बनाए actually? कितने बिके? Following information pertains to the actual cost of production for the month. Actual data is. Point number one, 5700 kgs of raw material was issued to production. Raw materials are valued using FIFO. Other details relating to raw material used for Bela are as follows. Yes, sir. First December 15. अब December के angle से working है, तो first December वाली opening stock order, 3000 kgs पड़े थे, कितने और purchase हुए? कितने issue हुए? क्या closing raw material stock भी बचा हुआ? Number two, to minimize labor turnover. इसका बड़ा meaning होता है minimize labor turnover. Labor turnover से मुराद होती है कि employees छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि employees का turnover बहुत ज्यादा है, तो इसका meaning होता है कि employees बहुत ज्यादा छोड़ के चले जाते हैं। और अगर कहा जाए कि employee turnover minimum है, तो employees ज्यादा छोड़ के नहीं जाते। ठीक है, इसकी क्या significance है पढ़ा गया? To minimize labor turnover, SE increased production wages by 10% above the standard rate effective from first December 15. क्या रोकने के लिए क्या किया गया? क्या अगर employees आपके पास हो और वो काम सीख लें, तो फिर आपकी ख्वाहिश होगी कि वो आपके पास ही रहें? Yes, sir. उनकी क्या ख्वाहिश होगी? कि अगर अच्छी opportunity मिलती है तो वो चले जाएं। अब इसको balance कैसे किया जाएगा? अब आपको भी तो पैसे बढ़ाना चाहिए, अगर वो काम सीख गए हैं, तो आप भी अच्छी पैसे दें उन्हें, रुक रहे हैं। ये क्या बात हुई? सिखाया हमने है, सीखा उसने भी। हमने सिखाते 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 काफी फायदा उठा लिया है। तो क्या रोकने के लिए फिर क्या किया है? टर्नओवर रोकने के लिए 10% वेजेस बढ़ा दिए। किससे ऊपर? स्टैंडर्ड से। क्या एडवर्स रेट वेरियंस है? कैलकुलेट ज्यादा हो गया? दिस इंप्रूव्ड लेबर एफिशिएंसी एज कंपेयर टू द बजट। इससे क्या हुआ? लेबर एफिशिएंसी बढ़ गई है। अगर पहले 100 घंटों में काम होता था, तब 105 घंटों में हो रहा होगा। इंप्रूव्ड लेबर एफिशिएंसी 5% मैथमेटिकली मींस होता 5/100। ये तो पहले फाइनल करेंगे, तो ये अचानक मैं जो 100 ले आता हूँ बीच में, ये परसेंटेज की वजह से। तो अगर 100 घंटों में पहले काम होता था, तो अब कितने घंटों में हो रहा होगा? एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि आवर्स कम लग रहे हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या हुआ होगा? 100 घंटों का काम 95 आवर्स में होना शुरू हो गया। ठीक है सर, लगता है एम्प्लॉइज मोटिवेट हो गए और देयरफॉर रेट वेरियंस तो एडवर्स है, लेकिन लग रहा है शायद एफिशिएंसी वेरियंस फेवरेबल हो जाएगा। नंबर थ्री, 2100 मशीन आवर्स वर यूज्ड। तो एक्चुअल आवर्स वर्क है, एक्चुअल मशीन आवर्स वर्क है, मशीनों ने एक्चुअली इतना काम किया। डिटेल ऑफ ओवरहेड्स आर एज फॉलो। व्हाट इज द मीनिंग ओवरहेड्स? दोनों हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। पर नंबर वन, डेप्रिसिएशन है अमाउंटिंग टू 1.6 मिलियन, सेम एज बजटेड। नहीं नहीं, ये नहीं, ये पहले ये बताइए, इस वक्त आप एक्चुअल डाटा पढ़ रहे हैं या बजटेड पढ़ रहे हैं? तो जितनी डेप्रिसिएशन एक्चुअल है, उतनी बजटेड थी। ये मीनिंग इसका सिंपली है। फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट अमाउंट भी 1.2 मिलियन है, ये भी सेम एज बजटेड है। इसका मतलब इनमें वेरियंस नहीं है। ऑल अदर ओवरहेड्स वर, अगर 100 रुपया थे
104 रुपया हो गए, 4% इजाफा हो गया। ऑल अदर ओवरहेड्स वेरिएबल या फिक्स? ऑल अदर ओवरहेड्स वेरिएबल होंगे या फिक्स होंगे? ऑल अदर ओवरहेड्स में 4% इजाफा हो गया बजट से। नंबर फोर, देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ, नो ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑफ बेला। बेला इज द नेम ऑफ फिनिश गुड्स। देख लें जरा कंटेक्ट पर, बेला की प्रोडक्शन हो रही है। एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री है कहीं ढूंढे पिछले पेज पे? कितने बना के कितने बेचे? ओपनिंग है नहीं, तो 1000 क्लोजिंग फिनिश गुड्स मौजूद है। एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री मे बी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये सर जी सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस अंडरलाइन कर, शायद ये क्वेश्चन करवाने की मेन वजह ये। ये इसी तरह की लाइन मुंगेजर में भी आई है, न्यू टीस में भी है, लेकिन वहां रॉ मटेरियल के स्टॉक के एंगल से ये बात हुई है। आई होप कि आपने क्वेश्चन किया है, वहां फिनिश गुड्स का स्टॉक कोई नहीं है। ये देखें जरा जल्दी से, लिट्यूस मैंगूजर मैंगूजर मुंगेजर में फिनिश गुड्स का स्टॉक की बहस नहीं। नहीं ये तो वर्ड है ठीक है, इन्वेंट्री वर्ड है, लेकिन वहां रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री बची हुई है दोनों में। ये इन्वेंट्री किसे कहते हैं? कौन सा स्टॉक हो? ठीक है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, किसकी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक? नहीं बेटा सबके लिए वर्ड है। स्टॉक रॉ मटेरियल का भी होता है, वर्क इन प्रोसेस का भी, फिनिश गुड्स का। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वर्ड भी हो सकता है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वर्ड भी है। स्टॉक्स के लिए वर्ड इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री कैन बी ऑफ रॉ मटेरियल, कैन बी ऑफ वर्क इन प्रोसेस, कैन बी ऑफ फिनिश गुड्स। वहां दोनों सवालों में जो स्टॉक बचा है वो रॉ मटेरियल का। यहां वापस आए, यहां भी रॉ मटेरियल का स्टॉक है, ढूंढने जरा पॉइंट वन में इस पेज के ऊपर। लेकिन ये जो लाइन है, अब इस लाइन की जरा डेप्थ में जाए, गौर से देखते जरा। तो कहता है एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री मे बी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। यहां किस एक्चुअल इन्वेंट्री को मेजर करने की बात हो रही है? फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को या रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को? वर्ड्स असल में क्या लिखे हैं? मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। यहां से ऑनवर्ड्स तीन चीजें आपको हर वक्त पता रहनी चाहिए। पेज नंबर 146 के नीचे जगह है, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक। मेरा ख्याल है पहले जरा सुन लीजिएगा, क्योंकि जरा मार्जिनल अब्जॉर्प्शन सारा मैं इकट्ठा करने लगा, फिर आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली। बस हेडिंग लिख के रुक जाएं, आपको स्पेस कितनी चाहिए, इधर ही बात पूरी हो जाए, आधा एक सफाया वैसे। लेकिन पहले बात पूरी सुनो, क्या रॉ मटेरियल का स्टॉक बच सकता है? कब? खरीदा ज्यादा हो, इस्तेमाल कम हो, बच जाएगा। तो जो रॉ मटेरियल का स्टॉक बच जाएगा, उसकी अगर आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की अगर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? और नहीं बेटा, जिसको आप माइनस करना चाह रहे हैं उसकी तो मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो अमाउंट होगी तो माइनस होगी, हम माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? अगर वो मेजर करना है, रिलैक्स रिलैक्स सर जी, रिलैक्स सर, सर आपके पास कोई रॉ मटेरियल पड़ा होगा, उसकी कोई कॉस्ट होगी, तो फर्दर खरीदा होगा। आप डिसाइड ये करेंगे कि रॉ मटेरियल कहाँ से बचा है, ओपनिंग से बचा है या परचेज से बचा है। अकॉर्डिंगली जहां से बचा है वहां से पर 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 केजी पर लीटर जो भी होगा उसका रेट निकाल लेंगे। तो परचेज कॉस्ट की बेस पे आप रॉ मटेरियल स्टॉक को मेजर कर लें। परचेज कॉस्ट मैंने वर्ड बोला, क्या जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो भी खरीदा होगा? yes, हाँ, वो पिछले पीरियड की परचेज कॉस्ट होगी जो हो सकती है डिफरेंट, और इस पीरियड की परचेज कॉस्ट अगर वेटेड एवरेज मेथड होगा एवरी रेट आ जाएगा, अगर फाइफो होगा तो शायद सिर्फ इस पीरियड का रेट, अगर ओपनिंग इस्तेमाल हो गया होगा। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक मेजर होता है एट परचेज कॉस्ट। आप इस तरह करें, बाकी सब कुछ छोड़ें,
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट है बनाया, नहीं आई नहीं आई नहीं आई, सबसे ऊपर सेल नजर आ गई, इसकी बात नहीं हो रही, सबसे ऊपर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ, रॉ मटेरियल कंज्यूम की वर्किंग के अंदर आ जाए, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस, रुक 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 प्लस परचेजेस, इन्हीं में से कुछ स्टॉक बचाओ, तो इन्हीं परचेज कॉस्ट की बेस पे डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा मेथड यूज हो रहा है, हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे एट द परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, नहीं समझ आ रही, रॉ मटेरियल का स्टॉक जरा फैक्ट्री जेन में बनाया जा रहा, रॉ मटेरियल स्टोर रूम में पड़ा होगा, फिनिश गुड स्टोर रूम में पड़ा होगा या प्रोडक्शन हॉल में पड़ा होगा, रॉ मटेरियल स्टोर रूम में बचा पड़ा होगा, कहां नहीं गया होगा, वर्किंग प्रोसेस डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, देखो अभी आगे जाना है उसमें, नेक्स्ट पीरियड में जाएगा, तो रॉ मटेरियल स्टोर रूम में कहां से आया, परचेज करके आया, तो उस पर परचेज का खर्चा हुआ, क्या इस रॉ मटेरियल पे लेबर लग गई है, ओवरहेड्स लग गए हैं, वो कब लगेंगे, जब काम शुरू होगा, तो परचेज कॉस्ट की बेस पे ये फिगर मेजर हो जाएगी, लेट्स अज्यूम 5 लाख का रॉ मटेरियल, 5 लाख रुपए रॉ मटेरियल कॉस्ट है, और कैलकुलेटर पर 10,000 kgs आपने खरीदे, 5 लाख रुपया परचेज कॉस्ट है, 10,000 kgs आपने खरीदे, 50 रुपए पर केजी आ गए, फर्ज करें 2,000 kgs बचे हुए, ये ठीक कर रहे हैं वर्किंग, यही वर्किंग, 1 लाख रुपया क्या आ गया, कैसे आ गया, कैसे आ गया, परचेज कॉस्ट की बेस पे, परचेज कॉस्ट की बेस पे, तो रॉ मटेरियल स्टॉक इज मेजर्ड एट परचेज कॉस्ट, लेकिन यहाँ रुके फाइनली, दोबारा जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, लेकिन एक मिनट, समटाइम्स कैरिज नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज, तो परचेज कॉस्ट डजंट मीन परचेज प्राइस, प्लस कैरिज भी हो सकता है, फ्रेट चार्जेस कैरिज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस अगर इंपोर्ट की है, ठीक है, नॉन रिफंडेबल कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, मिलजुल के परचेज कॉस्ट, तो परचेज कॉस्ट की बेस पे मेजरमेंट हो जाएगी, कुछ क्लियर है प्लीज, अब आए फिनिश गुड्स को, फिनिश गुड्स सेल प्राइस चाहिए क्या, फर्ज करें 1 लाख यूनिट्स पड़े, सेल प्राइस पे मेजर किए 15 लाख के हो गए, दूसरे शोरूम में रखे आप, दूसरा बिजनेस अज्यूम हो गया 50-60 अरब रुपए के अचानक ही हो जाए, सेल प्राइस पे ये चीजें सिर्फ कब रिकॉर्ड होती हैं, जब चीजें बिके, अपने पास अगर पड़ी हैं तो कॉस्ट पे, हाँ एनआरवी पे आ सकती है अगर वो लोअर हो, हायर ऑफ या लोअर ऑफ, तो ये आपने मेरा टेस्ट लिया, हाँ आई होप कि मैं कुछ रीजनेबली पास हो गया, फिनिश गुड्स की कॉस्ट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक्स, फिनिश गुड्स की कॉस्ट अगर आपने मेजर करनी है तो दीज शुड बी मेजर्ड एट 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 एट, तो बर्ड अच्छा करें जरा, परचेज कॉस्ट, अब फिनिश गुड्स आप जब बर्ड यूज कर रहे हैं तो क्या रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट लग गई है, आगे लेबर ओवरहेड्स की 100% लग गए होंगे, तो एट 100% प्रोडक्शन कॉस्ट, व्हाट इज द मीनिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, लेकिन यहां 100% प्रोडक्शन कॉस्ट से मुराद अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, तो 100% प्रोडक्शन कॉस्ट से मुराद 100% डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, कल वाला आंसर निकालना जरा, जो कल क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा था, जो जैसे खोलो जी बेटा, डेफिनेटली ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट वर्ड मैंने लिखा है यही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर्ड भी है, एट 100% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यही फैक्ट्री कॉस्ट भी शायद है, कल हम क्या कर रहे थे,
जब स्टेटमेंट बना रहे थे मार्जिनल कॉस्टिंग से, तो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट कर रहे थे? क्या कर रहे थे? फिक्स ओवरहेड्स निकाल रहे थे। कहां से कहां आ रहे थे? अब्सॉर्प्शन से मार्जिनल में आ रहे थे। अब्सॉर्प्शन में क्या 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 के साथ क्या भी था और वहां क्या क्या के साथ क्या नहीं होना चाहिए? तो फिनिश गुड्स आर मेड एट 100% प्रोडक्शन में कॉस्ट वैसे के 100% लेस देन 100% फिनिश गुड्स अगर है तो क्या सारा मटेरियल सारी लेबर सारे ओवरहेड्स लग गए हो? लेकिन अब आ जाए जरा प्रोसेस कॉस्टिंग। कभी प्रोसेस कॉस्टिंग में अपने वर्क इन प्रोसेस वर्ड सुना? कभी उसे मैयर किया? उसे मैयर किया? कभी सीडी वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट फाइंड आउट किया? क्या उस पे मटेरियल कॉस्ट लग जाती है? जरूरी नहीं कि हमेशा, लेकिन अक्सर सवालों में शुरू में लग रहा होता है जैसे। लेकिन क्या वर्क इन प्रोसेस अगर हम कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम रहता हो, कुछ ना कुछ काम रहता हो। तो एट प्रोपोर्शनेट या चले लेस देन 100, एट लेस देन 100% प्रोडक्शन कॉस्ट 70%, 80%, 90% कितना? लेस देन 100, 99.9999999 हो सकता है, लेकिन राउंड ऑफ नहीं करना। अगर कर दिया तो फिनिश गुड्स है, नहीं अगर कर दिया तो फिनिश गुड्स। कुछ ना कुछ रहता होगा ईयर एंड पे, तभी वर्किंग प्रोसेस है। तो लेस देन 100% प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन वंस अगेन क्या अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से अगर वर्किंग प्रोसेस में ईयर हो रहा हो तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट मींस क्या फिक्स ओवरहेड्स का भी कुछ पोर्शन? हमने अभी तक जितनी प्रोसेस कॉस्टिंग पर पढ़ी है वो बगैर मार्जिनल कॉस्टिंग सोचे अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से ही पढ़ी होगी। लेकिन अब अगर कभी दोबारा पढ़ेंगे तो मार्जिनल से भी पढ़ सकते हैं। तो मार्जिनल से अगर पढ़ेंगे तो फिर क्या ज़हन में आएगा कि क्या 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 तो आएगा? तो यहां तक की जरा एक शॉर्ट समरी सुनो। फिनिश गुड्स होती हैं और जो वर्किंग प्रोसेस होता है, या चले फिनिश गुड्स अलग, फिनिश गुड्स अगर है तो प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्लीट होगी, मटेरियल के साथ साथ कन्वर्जन कॉस्ट भी पूरी होगी। कन्वर्जन किसे कहते हैं? लेबर ओवरहेड्स का मिला के कह रहा हूँ, लेबर ओवरहेड्स का मिला। लेकिन अगर वर्किंग प्रोसेस है तो उस पे भी मटेरियल के साथ साथ कुछ ना कुछ कन्वर्जन लग गई होगी। अगर कन्वर्जन लगी नहीं है तो फिर भी शायद वो मटेरियल ही है। वर्किंग प्रोसेस क्या है? वर्किंग प्रोसेस कहाँ होगा? रॉ मटेरियल स्टोर रूम में या फिनिश गुड स्टोर रूम में? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कुछ काम हो गया है, कुछ रह गया, तो रॉ मटेरियल पे कुछ ना कुछ हो गया होगा और बहुत कुछ रह भी गया होगा या कुछ रह गया होगा, तो प्रोपोर्शनेट या लेस देन 100% प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। लेकिन दोनों में कॉमन वर्ड्स क्या हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। फर्क क्या है? 100% लेस देन 100%। लेकिन रॉ मटेरियल स्टॉक्स आर मेड एट बाय परचेज कॉस्ट, कोई कन्वर्जन कॉस्ट नहीं लगी है। कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। बात क्लियर है प्लीज? एक सेकंड, एक आखिरी काम ये करें, ये जो अभी क्वेश्चन में एक सेंटेंस पढ़ा अभी आप, ये जो आखिरी सेंटेंस पढ़ा, ये पॉइंट नंबर 4 आप पूरा पढ़ के बताएं। वो यहाँ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की बात आपको बता रहा है या रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की बात कर रहा है? वर्क इन प्रोसेस मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि डेटा हमने पढ़ लिया, वर्क इन प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं। क्या वर्ड यूज करता है? एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री may be valued at standard purchase cost, production cost लिखा। आखिरी चीज लिखने से पहले ये, बल्कि ये क्लियर हो गया, पर फिनिश गुड्स की बात हो रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट किससे रेलिवेंट होती है? फिनिश गुड्स से। रॉ मटेरियल सिर्फ परचेज कॉस्ट। आखिरी चीज, जस्ट अ मिनट, रॉ मटेरियल जब मैंने लिखा है तो उसके साथ कोई मैंने मार्जिनल ऑप्शन की बात नहीं की। रॉ मटेरियल इज मेजर्ड एट परचेज कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट मींस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ओनली। यस सर।
कितना लेबर कितने ओवरहेड्स, ना लेबर ना ओवरहेड्स, ओवरहेड्स में कितने वेरिएबल कितने फिक्स, तो क्या अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग हो या मार्जिनल कॉस्टिंग हो, रॉ मटेरियल स्टॉक की मेजरमेंट सेम ही रहेगी, ओवरहेड्स तो बेटा किसको लगेंगे जब प्रोडक्शन शुरू होगी। हाँ, जब प्रोडक्शन होगी तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ कौन से ओवरहेड्स प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और अगर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग होगी तो वेरिएबल के साथ साथ फिक्स भी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। तो रॉ मटेरियल स्टॉक इज मेजर्ड एट परचेज कॉस्ट, वेदर वी आर यूजिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का भी ताल्लुक ही किससे डेवलप नहीं हुआ, रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल पे गेम शुरू होगी, कन्वर्जन की गेम शुरू होगी, तो फिर डिसाइड करेंगे कि अब इस कन्वर्जन में सिर्फ लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स लेने हैं, या इस कन्वर्जन में लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ साथ फिक्स ओवरहेड्स भी लेने हैं। अगर फिक्स ओवरहेड्स भी लेने हैं, यू आर यूजिंग, और अगर सिर्फ आपने मार्जिनल कॉस्टिंग से वर्किंग करनी है तो कौन सा नहीं लेंगे। क्या बातें हो रही हैं, यही है बातें सर, मैं लिख रहा हूं। स्टूडेंट्स क्लियर है सर, साथ साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी बेटा। ये अगले तीन दिन अब जो होना है आपके साथ, वो सिर्फ यही होना है, वो होता रहा ये होता रहा, और अब वक्त मेरा अलहमदुल्ला आ गया कि अगर ये हो जाए तो इंशाल्लाह आपके सारे सवाल, लेकिन बारह कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनमें स्पीचलेस हो जाता हूँ। सर व्हाट अबाउट लोअर ऑफ कॉस्ट आर रनिंग विद, ये जल्दी से काइंडली नोट कीजिएगा। भाई पढ़ रहा है, नहीं भाई पढ़ रहा, आप पढ़े थे, तंग किया उसने। नहीं, घड़ियां लगाने का अभी तक ट्रेंड है, क्लास में लगाई होती खास तौर पर, राइट साइड मोबाइल, लेफ्ट साइड पे घड़ी, एक मिनट आगे ना हो फिर भी साथ वाले से पूछते हैं, फिर भी तसल्ली नहीं होती, तो मुड़ मुड़ के भी देखते हैं, और फिर भी मायूसी सामने बिठाए, नहीं वो पीछे नजर नहीं ना सही यार, ये नई चीज बता दी अब सब ढूंढ रहे हैं। आने का टाइम और घड़ी से देखते हैं, जाने का टाइम और घड़ी से। द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज सर कि कागज पेंसिल पकड़ के किताब खोल के साथ साथ कोई रोज का रोज घंटा आइसोलेशन में गुजारा जाए, फर्क पड़ता है सर। जी वेटिंग फॉर साइड का लिखिए तो बताइए सर, जी कहीं बेटा अगर लिखिए तो बताइए प्लीज, थर्ड लास्ट रूम
ये नोटेड है सर। यस सर। अपने ये जो लिखा है आपने काइंडली इसको जरा पॉइंट नंबर 4 से फाइनली रिलेट कर लें, प्लीज जरा वर्ड सही तरह पढ़ना। एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री मे बी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट लिखा होगा, प्लीज फाइनल कर दें। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की बात हुई है, रॉ मटेरियल देख लेना सर, या किसकी बात हुई होगी, या किसकी, या फिनिश गुड्स की या वर्किंग प्रोसेस की। अगर वर्किंग प्रोसेस नहीं है तो फिनिश गुड्स किसकी बात ये नहीं है, क्यों? रॉ मटेरियल शुड नॉट बी मेजर्ड एट प्रोडक्शन कॉस्ट बाय, उसकी अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई यार, प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई। रॉ मटेरियल अगर रॉ मटेरियल स्टोर रूम में पड़ा है उस पर प्रोडक्शन का काम अभी नहीं हुआ। प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में बोलूं तो आपके जहन में क्या आएगा? फिनिश गुड्स आना चाहिए, फिनिश गुड्स। हाँ, लेकिन अगर प्रोडक्शन जारी है तो वर्किंग प्रोसेस, और अगर प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई तो प्रोडक्शन खर्चा कहां से आ गया? कन्वर्जन को ये डन है सर? जी सर डन है। जी सर रिक्वायरमेंट एक, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इसमें चाहिए, डेटा बहुत ज्यादा है, फैसेट है आपके लेवल का, ये पहला शायद सवाल है। बाकी ये भी मेरा पता नहीं एंड में आप महसूस करें कि नहीं, तब तक आप बच्चों वाले सवाल में साथ करते रहेंगे, लगता है मुझे भी अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। जी सर बिजनेस नेम, अच्छा होना यही चाहिए जो मैंने अभी बोला है, हर क्वेश्चन करने के बाद वो क्वेश्चन आपको अगले सवालों की बनिस्बत आसान महसूस होना चाहिए। yes, क्या ऐसे हो रहा है? yes, हर गुजरते दिन के साथ ये सीढ़ी ऊपर जानी चाहिए। yes, अगर मैं इस वक्त आपसे कहूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो 2 मिनट फिर भी लगेंगे, देखते फिर भी नहीं होना। सीमा इंटरवाइज बस प्लीज, सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, लगता है प्लंडी के बगैर मैंने भी नहीं माना। बजटेड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 15। नौजवान लोग हैं सर आप, लेकिन इसी जिंदगी के हिस्से में अगर चीजों पे फोकस करना आ जाए, रेलिवेंट और रेलिवेंट चीजें इंसान अगर जिंदगी में डिसाइड करे तो यही मैटर करता है। यकीनन इस तरह की बात सोचना इन इस एज में ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन बाद में ज्यादा डिफिकल्ट होता है, आदत बन जाती है। तो पहले डिसाइड कर लेना चाहिए सही आदत कौन सी है और गलत कौन सी है, पता चल जाता है सर? yes, जी सर रुपीज इन मिलियंस, बजटेड प्रॉफिट, डाटा ढूंढ लें, बजटेड फिगर्स हैं कहीं? एक टेबल स्टार्ट में बना हुआ सर, वो शायद बजट ही है। कोई इस वक्त वेरियंस नहीं कर रही, बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रही है। बोलने से कितने यूनिट सोल्ड है? ये कंपलसरी नहीं है लिखना, लेकिन शायद कुछ चीजें जिनकी आगे जरूरत पड़नी है, सही सेट कर देना। तो 25 मिलियन गिवन है। अब फॉर्मेट किस मेथड से, ऊपर लिखा करें जरा, अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है सामने होना चाहिए मार्जिनल कॉस्टिंग से होगा, मीन उसे लिख कर। एक्सलेंट डिसीजन सर, सही है, अलहदगी रिक्वायर्ड है, फिगर सारी बतानी है पापा। नेक्स्ट हेडिंग वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये बिल्कुल सही है। ओपनिंग स्टॉक किसका? फिनिश गुड्स का नाम, लास्ट लाइन में चले जाए, अगला पेज लास्ट लाइन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यूनिट्स नहीं अमाउंट तो होगी, अभी इतना कुछ तो लिखा नीचे,
डैश से, यूनिट्स नहीं है तो डेफिनेटली अमाउंट नहीं होगी। ये पूरे वर्ड्स लिखना जरूरी है, प्लस क्या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कितने यूनिट्स की, हिम्मत हिम्मत मानो हिम्मत, बजट में 10,000 है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स की है, ठीक है, यकीनन बजटेड सेल के है, लेकिन बजटेड प्रोडक्शन के है, हम वेरिएबल के चक्कर में क्यों पड़ गए, मार्जिनल कॉस्ट हेडिंग बनाने से, डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल का एक स्टॉक है, लेकिन जरा नेक्स्ट पेज पर है वो एक्चुअल की बहस है, शायद जरा ढूंढिएगा, बजट में किसी रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग की बहस नहीं है, 9 मिलियन एज इट इज गिवन है, सही सोच के नाम बताएं जरा इसका, नहीं नहीं बेटा उसकी नहीं, मतलब स्टेटमेंट इस वक्त तो बन रही है, स्टेटमेंट के मुताबिक डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है, डायरेक्ट मटेरियल हम लिख रहे हैं कंज्यूम्ड है, क्या कंज्यूम्ड खर्चों में आएगा या परचेज आएगा, लेकिन परचेज भी कंज्यूम्ड होगा अगर स्टॉक्स नहीं है, रॉ मटेरियल के स्टॉक्स नहीं है ना प्लीज, तो बजट में बजटेड लेवल पे कोई हमें रॉ मटेरियल के स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, नेक्स्ट पेज पे देखें, एक्चुअल की यकीन बहस है लेकिन यहाँ बजटेड बना रहे हैं कि इतने बजटेड रॉ मटेरियल यूनिट्स है, ये थे, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी व्हाट वी अज्यूम, व्हाट वी अज्यूम परचेज ही कंज्यूम्ड है, लेकिन यहाँ कंज्यूम्ड समझ के लिखा, नेक्स्ट सर डायरेक्ट लेबर कितने रुपीस, 3.60 वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स 4.40, फिक्स्ड ओवरहेड्स, यस सर, ओ सर इतना अच्छा लग रहा था यार, नो फिक्स कॉस्ट, इट इज अ पीरियड कॉस्ट इन दिस स्टोरी, सम करें 17, व्हाट इज 17, ना ना वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, गेम ऑन हो गई है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं है, कैसे है ओपनिंग तो है नहीं, कितने बजटेड यूनिट्स प्रोडक्शन के हैं, कितने बेचने का प्लान है, 200 यूनिट्स किसके बचेंगे, कहां से बचे होंगे, फाइफो या वेटेड एवरेज, सवाल में तो फाइफो लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, ढूंढे ढूंढे जहां ओपनिंग स्टॉक है वहीं लिखा हुआ है, एक्चुअल में जहां ओपनिंग स्टॉक है, किस बहस की जरूरत ही नहीं है, 17 मिलियन डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 200 क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट समझ आ गए कैसे हैं, यार वो तो हजार है, वो एक्चुअल है, बजट बना रहे हैं, बजटेड प्रोडक्शन 10,000 ढूंढे और बजटेड सेल 9,800 ढूंढे, ओपनिंग की बहस नहीं है, 200 समझ आ गए, 200 डाले से क्लोजिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट हो जाए आज 0.34, अब ये मिलियंस में गेम चल रही है, तो 17 ओपनिंग प्लस 17 माइनस 0.34, सब ओके, 16.66 वर्किंग्स ओके सर, 16.66 क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, किसके नीचे लिखने की कोशिश हुई, और बेटा जाने दे 200 कैसे है, इस तरह प्लीज नहीं करें, कंसंट्रेट करें, 10,000 बजटेड प्रोडक्शन, 200 समझा दें, समझना शुरू करें, बजटेड प्रोडक्शन 10,000, बजटेड सेल 9,800, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई है, 10,000 बजटेड प्रोडक्शन माइनस 9,800 यूनिट सोल्ड is equal to beta please 200 units of closing stock of finished goods na kare beta please serious seriously saath saath chale
ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है लेकिन काइंडली इस तरह का तो जाती है। 16.66 डन है क्या जी? किसके नीचे लिखने की कोशिश की है मैंने? सेल। क्या चीज आ जाएगी? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। 8.34 इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन से बड़ा आगे बढ़े ज़हनी तौर पे वेरिएबल सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस ढूंढे हैं यार, ना होने का मतलब क्या हुआ? तब दोबारा ये नेट कंट्रीब्यूशन दोबारा वर्ड्स के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, यही ग्रॉस ज़हन में ही क्या बन गया, क्यों बन गया? कल तो नहीं बना था, कल क्या था जो आज नहीं है? फिक्स्ड कॉस्ट हेडिंग लिखें, प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट ढूंढें, प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट 3.80 बजटेड ही हो रहा ना सर। नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट ढूंढें, ना अवेलेबल होने की वजह से नेट यही क्या है? यही फिक्स है, नेट प्रॉफिट तक आ जाए, यही प्रॉफिट है। 8.34 माइनस 3.8 इज इक्वल टू 4.54 का पूरा नाम हो जाए बजटेड नेट प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्ट। रेडी सर? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या रेडी हो जाए फॉर नेक्स्ट चैलेंज? टाइम बहुत है, क्या खत्म हो गया? रिक्वायरमेंट ए में सिर्फ एक हिस्सा खत्म हुआ है, कौन सा शुरू हो गया? बोलने बोलने, नया फॉर्मेट शुरू करें। सही पेपर में भी ऐसे ही होना है, इधर शुरू होना नहीं उधर शुरू हो गया। ये मुसलसल एफर्ट चाहिए सर, उस एफर्ट के लिए यहाँ की एफर्ट ही मैटर करेगी, वहां एक ही दफा करेंगे, यहाँ थक ना जाए, वहां बोर होंगे अगर यहाँ थके ना। तो बिजनेस नेम सर, एक्चुअल प्रॉफिट स्पीड अप हो सर। जाने दे, एक्चुअल प्रॉफिट अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, अपनी मर्जी से सवाल। एक्चुअल प्रॉफिट भी कौन सी कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्ट, एक ही कॉस्टिंग, एक ही कॉस्टिंग फॉर द मंथ ऑफ, ये दिसंबर का प्रॉफिट निकाल तो नहीं आपके स्टेटमेंट में पड़ेगा। दिसंबर 2015 इंटरेस्टिंग गेम है सर, एक एक फिगर आप चैलेंजिंग है सर, तो फुल पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कैंडिडेट बता दें, इकट्ठे हो गए, ये कंफर्म है कि सारी फिगर्स आनी सवाल में से इंशाल्लाह, तो अजम्पशन कोई नहीं, सारी फिगर सवाल से, तो कैंडिडेट ये वाला क्वेश्चन ये फिगर कहां से ये कहां से रेलिवेंट नहीं रहेगा। सेल्स ढूंढे गिवन है ये रुपीज इन मिलियंस, बेटा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, ये क्यों क्वेश्चन है? एक्चुअल प्रॉफिट की वर्किंग करना लाजमी है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। यकीनन आपने के जेन में मूंग गेजर और लिपीस आए होंगे, उनमें एक्चुअल प्रॉफिट एंड में आ भी जाता है, लेकिन अपनी वर्किंग की होनी चाहिए, ना कह रहे ठीक है आ जाता है रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन यहाँ तो बड़ा एक्चुअल प्रॉफिट रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक बड़ा वर्किंग कर रहा है सर। प्लीज क्लियर है, एक्चुअल प्रॉफिट की ये वर्किंग नहीं है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और हो रही है, बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट बेटा फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर बाद में उसके लिए वेरियंसेस रिक्वायर्ड है। जी अब्दुल समद साहब, मैंने
सेलिंग एडमंड्स में बजटेड सेलिंग एडमंड जो दिए हुए हैं वो आपने क्यों नहीं लिए? सेलिंग एडमंड में बजटेड सेलिंग एडमंड जो दिए हुए हैं जी, अब तो समझ बेटा ये किधर दिए हैं? सेलिंग एडमंड में बजटेड सेलिंग एडमंड कहां बेटा दिए हैं? प्लीज सवाल में आप लोग प्लीज फॉर्मेट शुरू करें सर, सेल होना। अब जो समझ साहब सर पॉइंट थ्री में बेटा खुदा का नाम ले यार, ये कौन सा सेलिंग एडमन है यार? और बेटा प्लीज ये वेरिएबल और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं यार, और ये एक्चुअल है। एक्चुअल सेल बताइएगा जी, 30 मिलियन यूनिट्स बताएं जी, 11,000 जी। फ्रेंड्स डियर फ्रेंड्स वेयर आर यू आर, सेल्स के बाद और यार क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कहां से आ गया? और यार मार्जिन से वर्किंग कर ली है, प्लीज मार्जिन से गेम ऑन है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल फुल कंसंट्रेट छोड़ दें एक दूसरे से, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कितने यूनिट्स की? ग्यारह हजार जो बेचे उन्हीं की कॉस्ट है, आप जो कह रहे हो आ गया ना, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 12,000 की, यानी मैं कॉस्ट ऑफ सेल पूछ रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और यार क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा ना, मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह के सवाल वैसे, लेकिन मैं स्पीचलेस हो जाऊंगा, मेरे पर खतरा आपके सवाल फिर कुछ चैलेंजिंग हो जाएंगे, जो जो सवाल मेरे से हो सकते हैं खतरनाक वो कोशिश पूरी कर दूंगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है तो ठीक है, हंस जरूर लीजिएगा लेकिन हंसते हंसते सोच लीजिएगा। वाई डैश प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कितने यूनिट्स की? यकीन है बेटा बनाने पे 12,000 यूनिट्स को बनाने पे खर्चा होगा, लेकिन बेचेगा 11,000 है तो फाइनली 11,000 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ सेल आनी चाहिए, डेफिनेटली 1,000 यूनिट्स की कॉस्ट पे लेस हो जाएगी। ठीक है जी सर, गेम अब फिर हो गई है। यहां में सबसे पहले चाहिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, लेकिन अभी डेटा एसएच रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। अब एक्चुअल बैच शुरू हो गई और एक्चुअल शायद डेटा नेक्स्ट पेज पे है सारा प्रोडक्शन के अलावा, तो 5700 जो केजीज यूज हुए हैं उनकी कॉस्ट निकालनी है। मेरी सजेशन ये है कि रादर देन की वर्किंग यहां की जाए, इसके लिए कलदा वर्किंग इसलिए कर ली जाए ताकि मेन हेडिंग हमारे जेन में रहे। व्हाई द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल विल बी डिफरेंट फ्रॉम द कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन है। आ जाए गेम होगी ऑन, स्पेस आपको चाहिए काफी सारी, मेरा ख्याल है कि आधे से ज्यादा सफर चाहिए इस एक्चुअल के लिए वर्किंग वन में होना। रॉ मटेरियल कंज्यूम सवाल में फिगर्स हैं या नहीं है ये एक अलग इशू है, लेकिन सोचना सब कुछ है जो हमें पता है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वर्किंग स्टार्ट करवाएं, ओपनिंग स्टॉक किसका ढूंढे? 3,000 केजी, ठीक है ब्रैकेट में लिखें, डेफिनेटली अमाउंट चाहिए 5.7। नेक्स्ट सर,
प्लस परचेजेस, डाटा मिल गया? हाउ मच क्वांटिटीज परचेज? एट द रेट ऑफ, सॉरी एट द रेट ऑफ नहीं है, 26.25 मिलियन. एनी कैरिज इनवर्ट्स? नो सर. एनी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस? कस्टम ड्यूटी होती नहीं है? नहीं. माइनस क्लोजिंग स्टॉक? ना ना, रिलैक्स, जस्ट अ मिनट. क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी चाहिए 5700 के है. कितने खरीद, कितने पड़े थे, कितने और खरीदे, कितने इशू हो गए? 3000 प्लस 15000 माइनस 5700 इज इक्वल टू 12300 केजीस. इसकी नीचे साथ छोटी सी वर्किंग कर. डेफिनेटली सारी वर्किंग एज सच एग्जामिनर के लिए नहीं होती, लेकिन फिलहाल शायद लिखी होनी चाहिए. ये समझ आ गया प्लीज? 5700 क्या था? रॉ मटेरियल्स का लेजर जरा ज़हन में बनाएं, क्वांटिटी के एंगल से. ब्रॉट डाउन रॉ मटेरियल प्लस हुआ परचेज, ऐड हो गया इशूड. इशूड की कोई एंट्री बता दें. वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल क्रेडिट रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक. अब 12300 केजीज की हमें कॉस्ट चाहिए. क्या रेलिवेंट होगा फाइफो या वेटेड एवरेज? रेलिवेंट होगा, ओपनिंग अवेलेबल है तो वो फाइफो कह रहा है. फाइफो कह रहा है तो कंसंट्रेशन दोबारा होगा. नहीं नहीं, फाइफो में स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है, अगर फिनिश गुड्स है तो यूनिट सोल्ड. ये देखना नहीं जो गए हैं वो कहां से गए हैं, और अगर रॉ मटेरियल तो यूनिट्स यूज्ड, सोल्ड नहीं, यूज्ड कंज्यूम्ड. 5700 गौर से देखें, ये इशू है कहां से कहां. रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 5700 केजीज गए. अगर फाइफो तो पहले कौन से गए होंगे? क्या 3000 पूरे के पूरे चले गए होंगे? क्या 15000 में से 12300 केजी बचे हैं? क्या करें? 26.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 15000 इनटू 12300. रेट की कैलकुलेशन में ओपनिंग मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्टॉक वहां से बचा ही नहीं. अगर वेटेड एवरेज कहता तो फार्मूले की फिगर बोल दें, 5.7 प्लस 26.5 डिवाइडेड बाय 3015. व्हाट इज द फार्मूला? वेटेड एवरेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस डिवाइडेड बाय. आंसर 21.525. ये वर्किंग क्लियर है सारी? आंसर 10.425 इज द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम. इकट्ठे उधर यहाँ पर ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हैं? ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर आई है, ये डायरेक्टली नहीं आ सकती? आ सकती है, आ गई है, आने लगी है, कैलकुलेटर है. 5700 केजीज इस्तेमाल हुए हैं, क्या ये उन्हीं की कॉस्ट है? आपको पता है कहां कहां से इस्तेमाल हुए? 5.7 मिलियन तो एज इट इज है. 5.7 मिलियन तो 3000 केजीज की कॉस्ट है जो इस्तेमाल हुआ है. प्लस करें 26.25 मिलियन लिखें, डिवाइडेड बाय 15,000 केजीज करके मल्टीप्लाइड बाय 2700. कहां से बीच में आ गया? 5700 में से 3000 तो ओपनिंग वाले थे, तो 2700 से मल्टीप्लाई करें. फाइव पॉइंट सेवन
ये 5.7 एज इट इज क्यों लिया मैंने, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, फॉलो करा क्या होता है, हाउ मेनी हाउ मच क्वांटिटीज आर कंज्यूम 5700, पहले कहां से कंज्यूम हुई 3000 जो कंज्यूम हुई उसकी कॉस्ट 5.7 मिलियन एज इट इज आ गई, बाकी 2700 केजीस वुड हैव बीन कंज्यूम्ड फ्रॉम परचेजेस, लिखें भी और सॉल्व करें, क्या ये कुछ जादू है, जो लोग लिख रहे हैं कैंडी जरा सॉरी बुक बंद करते हैं इससे पहले 157 पेज एक मिनट का, ये बेटा बहस खत्म नहीं हो सकी, इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 157 पे एक मिनट, जी सर जी वक्त ऐसे ही है सर, जब आगे वाला वक्त तो लगता नहीं गुजरेगा, पीछे मुड़ के देखें पता नहीं कितना गुजर जाता, लग रहा है कि बाकी बहुत ज्यादा रहता है लेकिन पीछे मुड़ के देखें तो शायद ऐसे ही गुजर जाता। कल की बात है कि आपको गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, सोच लें कल की बात, और आज की बात क्या है कि अरसा गुजर गया गर्मियों की छुट्टियों, अरसा ही गुजर गया, और एक और बात अब कुछ दिन बाद अप्लीकेबल हो जानी है, पहले संडे ऑफ लेकिन उसका भी लगता है वक्त गुजर ही गया। जी सर एक पेज नंबर 157 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कुछ उस तरह से एक रिवर्स वर्किंग है छोटी सी, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से देख के उठ जाए, पीछे जाए हेक्सा ढूंढने जा रहा है, एक हेक्सा वाले क्वेश्चन में वेरिएंसेस से रिवर्स वर्किंग हुई थी जी सर, तो उसको जरा ए पार्ट जो उसका था उसको जरा अगर दो मिनट रिवाइज कर लिया जाए पहले, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बड़े आराम से सॉल्व हो जाना, अगर वेरियंस फेवरेबल है तो पॉजिटिव लिख लीजिएगा, एडवर्स है तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, रिवर्स वर्किंग हो जाएगी, तो कैंडी इनको कितने छोटे छोटे सवाल आप भी, ताकि मुझे रिक्वायरमेंट आराम से समझ आ रही कि देखिए क्या करता है, तो नहीं नहीं क्वेश्चन नंबर नहीं नहीं 7 ये पेज नंबर 157 पे, ये आगे जाके कॉस्ट शीट है, पेज नंबर 157 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, और हेक्सा को क्वेश्चन नंबर 11 था पीछे, हेक्सा की रिक्वायरमेंट ए जरा एक नजर देख लीजिएगा, बाकी ये वाला जो क्वेश्चन अभी शुरू किया था ये डेफिनेटली आपके लिए नहीं है, इंशाल्लाह कल मिलजुल के करें, ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाए ना, तो कंडी जरा जो छोटे छोटे क्वेश्चन खुद से टाइम देना, अल्लाह एग्जाम पेज नंबर 121 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज नंबर, तो इकट्ठे करते जाए, वो जो मंगेजर है डी टू है इंशाल्लाह उसको भी फाइनल करते हैं।